Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is a very special video because probably ये पहला video है जहाँ पर मैं अपने channel पर ChatGPT के बारे में बात करने वाला हूँ, या पता नहीं शायद दूसरा video है, जो भी है। आज का video क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस video में हम लोग discuss करने वाले हैं कि मैं पिछले 4 महीनों में ChatGPT को किस तरीके से अपने daily workflow मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो मोस्टली ये वीडियो डेटा साइंस के आसपास ही रहेगा। द आइडिया वुड बी कि डेटा साइंस में आप ChatGPT को कैसे यूज़ कर सकते हो, और मुझे लगता है कि ये कुछ टेक्निक्स अगर आप भी यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। मैंने अभी तक इसलिए ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं डाला ChatGPT के ऊपर, उसका रीज़न ये है कि आई वॉज़ नॉट श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल नई चीज़ थी, मुझे लगा कि पहले मैं खुद एक बार इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और फिर जब थोड़ा आइडिया हो जाए तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे चैनल के ऊपर। एंड नाउ आई फील आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक 4 मंथ्स ऑलमोस्ट, आई एम रियली हैप्पी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई है, और सेकंड काफ़ी कुछ सीखा है उसके बारे में। नॉट ओनली ChatGPT को यूज़ करना सीखा, बट इन जनरल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया पिछले 4 महीनों में। कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, और भी इन जनरल काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप ऐसा समझो कि ये वीडियो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड इस चैनल पे आपको ChatGPT, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इन जनरल AI का जो प्रोग्रेस हो रहा है अभी दुनिया में, उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी कॉन्टेंट शेयर करने वाले हैं। बिकॉज द आइडिया इज़ कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ रिवोल्यूशनरी हो रहा है इस पॉइंट पे, एंड वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस। इसमें हमें पीछे नहीं रहना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अगर आप बहुत सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हो, सीख पाते हो, तो आपका फ्यूचर वर्थ काइंड ऑफ डिसाइड होगा। तो मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो, एंड दैट इज़ वाई आज का वीडियो है जहाँ पे जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू कि मैं ChatGPT कैसे यूज़ कर रहा हूँ। एंड या दैट्स इट, वीडियो देखो और बताओ आपको कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने ChatGPT को पिछले 3-4 महीनों में जहाँ पे किया है वो है मोस्टली अराउंड कोडिंग, ठीक है। डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग, मतलब उससे तो कुछ बचना है ही नहीं। कई चीज़ों के लिए आपको पाइथन के कोड्स लिखने पड़ते हैं, तो आपको फिर ज़रूरत पड़ती है ChatGPT की। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ChatGPT यूज़ कर रहा हूँ अपने डे टू डे वर्क फ्लो में, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या किया करता था कि कुछ भी अगर लेट्स से मैंने कोड लिखा, तो उस कोड को अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है या उसको इम्प्रूव करना है, तो मैं उस कोड को डायरेक्टली पेस्ट कर दिया करता था ChatGPT में, और फिर जो भी रिस्पॉन्स आता था उसके अकॉर्डिंगली मैं चेंज करता था। बट देन मुझे एक टूल मिला, सो ये एक क्रोम प्लगइन है ChatGPT जुपिटर AI असिस्टेंट बोल के, और ये बहुत ही सही टूल है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कर सकता है। सो इसको मैंने इंस्टॉल किया। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके जुपिटर नोटबुक में ऑटोमेटिकली ये आइकन्स बन जाते हैं। सो यू कैन सी ये 5-6 आइकन्स बने हुए हैं, और इन आइकन्स के थ्रू आप काफ़ी पावरफुल चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे स्क्रीन पर अभी एक कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड है स्क्रैच से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कोड है ये बेसिकली, ठीक है। हमने कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया, खुद का क्लास बनाया जिसको यूज़ करके आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो कितने भी डायमेंशन के डेटा के ऊपर। मैंने रिसेंटली आपको ये कोड कराया भी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करो और उसके ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब कोड का इंडेंटेशन वगैरह सही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, डॉक स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगे अगर फंक्शंस हैं तो। यू कैन सी, मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी इट सेज वेटिंग फॉर ChatGPT रिस्पॉन्स, एंड यू कैन सी दिस इज द रिस्पॉन्स। अगर आप इसको सही से देखना चाहते हो तो मैं इसको दूसरे पेज में ओपन करता हूँ, एंड यू कैन सी जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा था उस सेल के लिए ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। एंड यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले ये आया है, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कमेंट्स आ गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन आ गया है, रिटर्न टाइप आ गया है। सो बेसिकली फॉर्मेटिंग हो गई है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स मी जब मैं एक लंबा कोड लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर मुझे फिर पलट के कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा वो टायरिंग काम है, तो मैं ये टूल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जो इसी के अंदर है, वो है एक्सप्लेन, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सेलेक्ट द एंटायर कोड एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सप्लेन, और ये क्या करेगा,
ये पूरा का पूरा कोड को एक्सप्लेन करके देगा, ठीक है। तो ये सेम काम वैसे आप चैट जीपीटी पे जाके भी कर सकते हो, बट इस तरीके से प्लगइन के फॉर्म में है तो अच्छा रहता है। सो यू कैन सी द कोड यू प्रोवाइडेड इज अ पाइथन क्लास कॉल्ड मेरा एल आर, विच स्टैंड फॉर मेरा लीनियर रिग्रेशन। दिस क्लास हैज थ्री मेथड्स। इन द इनिट मेथड टू इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड। इन द फिट मेथड द इनपुट डेटा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन आर यूज टू कैलकुलेट द लीनियर रिग्रेशन कोफिशियंट्स। द मेथड फर्स्ट इंसर्ट्स अ कॉलम ऑफ वंस एट द बिगिनिंग ऑफ एक्स ट्रेन यूजिंग द नंपाई फंक्शन एनपी डॉट इंसर्ट। देन इट कैलकुलेट्स द कोफिशियंट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। द प्रिडिक्ट मेथड, ठीक है। और फिर आप आगे जाओ और आप आगे जा करके यहाँ पे पूछ सकते हो, लेट्स से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ये पता करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो इट विल गिव यू दिस रिस्पॉन्स। सो यू कैन सी अगेन, मैं इसको नए पेज में ओपन कर रहा हूँ। इन द फोकल सेल द कोड इम्पोर्ट्स द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन फ्रॉम द एसक्यूएल मॉडल। दिस फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड, और जो भी है उसने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी अभी तक, एक हुआ कोड को फॉर्मेट करना, दूसरा है किसी भी पीस ऑफ कोड को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगला है डीबग करना। सो यू कैन सी नीचे कहीं पर तो एरर आ रहा है इस जगह पे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई विल रन दिस, एंड अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो यू कैन सी इट सीम्स देयर इज अ वैल्यू एरर इन द फोकल सेल ड्यू टू शेप मिसमैच बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन इन द फिट मेथड ऑफ मेरा क्लास। द एरर मैसेज सजेस्ट दैट, जो भी है मतलब एरर मैसेज आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, एंड नॉट ओनली दैट वो आपको सोल्यूशन भी बता देगा। टू फिक्स दिस इशू यू शुड चेक द शेप ऑफ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन बिफोर पासिंग देम टू द फिट मेथड ऑफ मेरा क्लास, ठीक है। सो डीबग भी आप कर सकते हो। अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है आपका कोड कंप्लीट करना। सो लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस कोड को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट टू सी क्या ये सही से कोड कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं। तो आई विल सेलेक्ट दिस सेल एंड आई विल क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। सो यू कैन सी उसने ये कोड जनरेट किया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ कि उसने क्या किया है। सो यू कैन सी उसने एक्स टेस्ट के आगे भी ये वन इंसर्ट किया जैसा कि यहाँ पे इंसर्टेड था, और फिर उसने डॉट प्रोडक्ट किया एक्स टेस्ट और सेल्फ कोफिशियंट अंडरस्कोर का, सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट ऐड किया और रिटर्न वाई प्रेड किया। सो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर कोड उसने जनरेट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल कि आप एक फंक्शन का नाम दे दो, उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दो, वो आपके पूरे प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट को रीड करेगा और आपके कोड को कंप्लीट भी कर देगा। और मैंने देखा है कई बारी, लाइक बहुत बार जो आउटपुट आता है ना वो बहुत सही होता है। सो दैट इज सो कूल कि आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट एंड दिस टूल विल जनरेट द प्रोग्राम फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो इसमें क्या होगा कि ये आपके पूरे कोड को रिव्यू करके देता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपका एक सीनियर प्रोग्रामर है, वो आपका कोड देख रहा है और आपको फीडबैक दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज के लिए मैं सारे के सारे कोड को एक ही जगह पे डाल देता हूँ। आई जस्ट पुट इट इनसाइड वन सिंगल सेल लाइक दिस। नहीं, इसको नहीं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो दिस इज माय एंटायर कोड, ये जो सेल है इसमें मेरा पूरा का पूरा कोड है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड इट विल जनरेट कंप्लीट रिव्यू फॉर मी, एंड लेट्स सी क्या रिव्यू आ रहा है। सो या एक बार इसको नए सेल में ओपन करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर उसने अलग अलग चीजें बताई हैं। इट इज रिकमेंडेड टू इम्पोर्ट आर टू स्कोर फ्रॉम एसक्यूएल मेट्रिक्स सिंस इट इज बीइंग यूज्ड इन द कोड, हमने इम्पोर्ट नहीं किया। इट मे बी बेनिफिशियल टू एड इनपुट वैलिडेशन टू द फिट एंड प्रिडिक्ट मेथड टू इंश्योर, और यहाँ पर उसने वो कोड सजेस्ट जो किया गया है उसका कोड भी लिख के दिया। इट मे बी यूजफुल टू इंक्लूड अ मेथड टू डिस्प्ले द कोएफिशिएंट एट्रीब्यूट टू द यूजर टू मेक इट ईजियर टू इंटरप्रेट द मॉडल, फिर उसने ये भी बना के दे दिया। और फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन इनिशियलाइजिंग द मेरा
LR class, it may be better to pass a hyperparameter such as fit intercept and normalizes arguments. So you can see एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू उसने लिख के दिया आपके कोड के ऊपर. नॉट ओनली उसने फीडबैक दिया, उसने जो चेंजेस सजेस्ट किए उसका कोड भी आपको जनरेट करके दिया. राइट, तो आप झट से जाकर के उसको अपने ओरिजिनल कोड में प्लग इन कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ फंक्शनैलिटी. एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल, कि आप किसी भी पीस ऑफ कोड के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ठीक है, सो लेट्स से व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेलेक्टिंग दिस मच कोड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू दिस एंड आई एम लेट्स से आई एम आस्किंग व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कोड डूइंग क्वेश्चन मार्क. आई गेस ये समझा नहीं. लेट्स से थोड़ा और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज द एनपी डॉट इंसर्ट फंक्शन डूइंग इन दिस कोड. लेट्स से हमने ये क्वेश्चन पूछा. सो यू कैन सी एनपी डॉट इंसर्ट नंपाई फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट जो भी है. ओके, मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया कोई सेल. लेट्स सेलेक्ट अ सेल एंड लेट्स लेट्स आस्क व्हाट इज एनपी डॉट इंसर्ट फंक्शन डूइंग इन दिस सेल क्वेश्चन मार्क. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव इंसर्टेड, समहाउ इट इज नॉट एबल टू पिक जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है. अदरवाइज ये एक्सप्लेन वाला जो या क्वेश्चन पूछने वाला जो फंक्शनैलिटी है ये बहुत सही से काम करता है. एट आई डोंट नो इस पॉइंट पे इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल. सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वॉइस इनपुट दे सकते हो. सो यहाँ पर अभी मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है. आपको अपना ओपन ये एपीआई की प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी. तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस टाइप करके पूछ लेता हूँ. बट जो भी है, लाइक ये चार पांच चीजों के लिए मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ. अब अगर मेरा कोड जुपिटर के अंदर है तो मैं डायरेक्टली इस प्लगइन को यूज कर लेता हूँ. अदरवाइज व्हाट आई डू इज आई गो टू चैट जीपीटी डायरेक्टली, आई पेस्ट माई कोड एंड आई आस्क द सेम क्वेश्चन कि यार इसको डीबग कर दो या इसको रिव्यू कर दो या फिर ये पीस ऑफ कोड को आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दो, इम्प्रूव कर दो, इसका एफिशिएंसी इम्प्रूव कर दो. राइट, तो इस तरह की चीजों के लिए आई यूज चैट जीपीटी अलॉट. सो यू कैन ट्राई आउट दिस प्लग इन, दिस इज अ रियली कूल प्लग इन. एंड आई रियली होप, मतलब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होगे मशीन लर्निंग में यूजिंग जुपिटर, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, सो गाइज जो नेक्स्ट यूज केस है जहां पर मैं पर्सनली चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ वो है सीक्वल क्वेरीज लिखना. ठीक है, डेटा साइंस में आप डे टू डे बेसिस पे सीक्वल क्वेरीज लिखोगे एंड चैट जीपीटी कैन बी अ वेरी गुड कंपेनियन अगर आप सीक्वल क्वेरीज जनरेट करवाना चाहते हो. सो पहले तो मैं क्या करता था कि मैं चैट जीपीटी ओपन करता था और उसमें अपना जो टेबल था उसके कॉलम्स स्पेसिफाई करता था पूरा का पूरा. मैं अपना स्कीमा समझाने की कोशिश करता था, फिर मैं क्वेश्चंस पूछा करता था कि ये पर्टिकुलर क्वेरी कैसे लिखी जा सकती है. सो ऑब्वियसली वो तरीका बहुत ही हेक्टिक था और कई बार रिजल्ट सही नहीं आते थे. तो लेटर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस लाइब्रेरी कॉल्ड लैंगचेन. ठीक है, सो शायद आपने नाम सुना होगा. लैंगचेन इज बेसिकली अ लाइब्रेरी यूजिंग विच यू कैन क्रिएट एप्लीकेशंस दैट यू कैन बिल्ड विथ एलएलएम्स. ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है. मैं प्लान कर रहा हूँ उसके ऊपर कुछ वीडियोज बनाने का. बट अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया यूज केस दिखाता हूँ कि आप कैसे लैंगचेन यूज करके सीक्वल क्वेरीज लिख सकते हो. सो हमारा प्लान क्या है कि हम ये कोड यूज करेंगे. लेट मी शो यू. सो दिस इज द कोड वेयर वी आर यूजिंग दिस लैंगचेन लाइब्रेरी. वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड आर ओपन एआई का जो एपीआई की है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है. मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सीक्वल एल्कमी के फॉर्म में अपना जो डेटाबेस है उसका यूआरएल देना है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है और इस तरीके से आप यू आर एल देते हो. सो ये एक यू आर एल है, एक डेटाबेस है जो एक सर्वर पे होस्टेड है. और वो सर्वर का यू आर एल ये है रिलेशनल डॉट फिट डॉट सी वी यू टी डॉट सी जेड. और यहाँ पर दिस इज द यूजर नेम ऑफ द डेटाबेस, यहाँ पे पासवर्ड है और ये मेरा डेटाबेस है.
ये सेम डेटाबेस से मैंने कनेक्ट कर रखा है MySQL वर्कबेंच में. सो यू कैन सी यहाँ पर एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं. सो यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे मेरे पास सैलरीज टेबल है, यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल है, प्रॉपर डेटाबेस है. तो अगर मान लो आपके पास इस तरीके का एक डेटाबेस है, लेट्स से आपके लोकल होस्ट पे ही है, तो आप यहाँ पे बस लोकल होस्ट स्पेसिफाई कर दोगे. ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. द गुड पार्ट नाउ इज कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और चैट जीपीटी विल रिटर्न क्वेरीज. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉयज आर देयर. एंड यू कैन सी मैंने वर्बोज ट्रू कर रखा है, तो वो पूरा अपना सोचने का प्रोसेस भी बताएगा. एंड यू कैन सी वो ये क्वेरी रन किया हमारे डेटाबेस के ऊपर और उसको ये रिजल्ट दिखाई दिया. सो देर आर 3 लाख एम्प्लॉयज. सो उसने आंसर बता दिया. ठीक है, आई कैन ऑल्सो आस्क हाउ मेनी टोटल डिपार्टमेंट्स आर देयर. यू कैन सी देर आर टोटल 9 डिपार्टमेंट्स. अगर आप थोड़े और डिफिकल्ट क्वेरीज पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो. लेट्स से हमने पूछा कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर प्रेजेंट इन, लेट्स से कोई डिपार्टमेंट नेम हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट है D005. एंड लेट्स रन दिस एंड यू वुड सी वो ऑटोमेटिकली समझ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. और उसके बाद यू कैन सी उसने इनर ज्वाइन परफॉर्म किया, 2 बार इनर ज्वाइन परफॉर्म किया और उसने इवेंचुअली आपको आंसर निकाल के दे दिया. ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं फाइंड द 25th परसेंटाइल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट 005. सो यू कैन सी उसने ये क्वेरी जनरेट किया, उस क्वेरी को जब उसने रन किया तो कुछ एरर आया. दिस वॉज द एरर, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स एंड या एरर को डीबग नहीं कर पाया. लेट्स आस्क अम अदर क्वेश्चन. लेट्स आस्क फाइंड द एम्प्लॉय विथ सेकेंड हाइएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट 005 हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए एंड हैज ज्वाइंड आफ्टर. लेट्स से यहाँ पर कोई डेट ले लेते हैं हम लोग. एम्प्लॉयज का हायरिंग डेट है मेरे पास, लेट्स से 1999. 1999 01 01. ठीक है, लेट्स रन दिस एंड यू वुड सी सी इट हैज जनरेटेड द एम्प्लॉय विद सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इन डिपार्टमेंट 005 whose name starts with A and has joined after 1999 is Apostol Lucius with a salary of this. And you can see this is brilliant. मैंने अभी बहुत difficult queries नहीं पूछी हैं, but you can understand कि even if I'll ask difficult queries, तो since इसके पास मेरे पूरे database का structure है, schema है, तो ये must पहले तो आपकी query को समझ रहा है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यही काम होता है, चैट जीपीटी का यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. वो ब्रेक डाउन कर रहा है आपके क्वेश्चन को और फिर क्वेरी फॉर्म कर रहा है, क्वेरी को रन कर रहा है, रिजल्ट आपको लाके दे रहा है. सो दिस इज ब्रिलियंट. लाइक आई यूज दिस टूल अलॉट. द ओनली प्रॉब्लम इज थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ता है बिकॉज आपके पास $18 का ही क्रेडिट है आपके एपीआई की अकाउंट में. तो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल अबाउट दिस. बट या दिस इज अगेन अ वेरी गुड यूज केस जिसके लिए मैं ओपन आई एम सॉरी चैट जीपीटी को यूज करता हूँ. सो एक और चीज जिसके लिए मैं चैट जीपीटी को काफी यूज कर रहा हूँ वो है एनालाइजिंग टेबुलर डेटा.
सो हम लोगों ने बहुत काम किया है डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस के ऊपर, और मोस्टली हम जो काम करते हैं वो टेबुलर डेटा के ऊपर होता है, पैंडास जैसा टूल हम लोग यूज करते हैं। सो आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विथ चैट जीपीटी की क्या हम एक टेबुलर डेटा दे करके क्या काम कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो मोस्टली तो थोड़ा प्रॉब्लम ही हुआ है, आई विल बी ऑनेस्ट। शुरू में मैं फिर से क्या करता था कि मैं अपना टेबल का जो स्ट्रक्चर होता था, डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता था, वो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू बताने की कोशिश करता था। बट लेटर अगेन जब मुझे लैंगचेन के बारे में पता चला तो फिर मैंने इसके लिए भी एक कोड लिखा। सो यू कैन सी दिस इज द कोड। यहाँ पर आप अपना कस्टम टेबुलर डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। सो चैट जीपीटी को वो पूरा का पूरा डेटा फीड होगा, वो पूरा का पूरा डेटा समझेगा, और फिर जब आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर निकाल के देता है, ठीक है। बट अगेन ये फंक्शनैलिटी थोड़ा हिट एंड मिस है, कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी काम नहीं कर पाता है। तो इसके साथ अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बट जस्ट वॉन्टेड टू शो यू बिकॉज फ्यूचर में दिस विल बी समथिंग जो लोग बहुत यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर काम करना है, यू हैव टू यूज लैंगचेन। दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लोडिंग माई डेटा सेट थ्रू दिस URL। यू कैन सी यहाँ पर आई एम लोडिंग द टाइटैनिक डेटा सेट, और आगे का प्रोसीजर मैं फिर किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। बस ऐसे समझो कि लैंगचेन यूज करके मैंने ये डेटा फीड कराया चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी इज काइंड ऑफ गेटिंग ट्रेन्ड ऑन दिस डेटा, एंड नाउ आई कैन आस्क क्वेश्चंस हियर, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन दिस डेटा सेट क्वेश्चन मार्क। सो या गलत दे रहा है ये, कुछ और पूछते हैं इससे। सो लेट्स आस्क, रन df डॉट इन्फो ऑन द एंटायर डेटा एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस। लेट्स सी क्या बोलते हैं। सो यू कैन सी बेस्ड ऑन द df इन्फो द डेटा कंटेन्स 891 एंड 12 कॉलम्स, ये सही है। ऑफ 12 कॉलम्स 10 आर नॉन नल, 2 आर नल, द डेटा टाइप्स आर मोस्टली इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स, द कॉलम्स आर दीज, ठीक है। तो ये फिर भी आपको थोड़ा सा एक समरी निकाल के दे रहा है। और क्या पूछ सकते हैं, लेट्स से हम पूछ रहे हैं व्हाट आर सम एनालिटिकल क्वेश्चंस दैट आई कैन आस्क ऑन दिस डेटा सेट। सो या सो बोल रहा है कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर सर्वाइव, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पैसेंजर्स इन ईच पी क्लास सर्वाइव्ड, व्हाट वॉज द एवरेज एज ऑफ द पैसेंजर्स हु सर्वाइव्ड, डज द फेयर कोरिलेट टू द लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइविंग, डज हैविंग अ फैमिली ऑन बोर्ड अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइवल। सो ये सारे क्वेश्चन हमने एक्चुअली टैकल किए भी हैं जब हमने इस डेटा सेट के ऊपर काम किया था। वट आई विल डू इज आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट ओवर हेयर, और मैं यही क्वेश्चन इससे पूछूंगा। सो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस। बेसिक क्वेश्चन तो ये आंसर कर देता है जितना मैंने नोटिस किया। जैसे कि अगर आप इससे ये पूछोगे कि वॉट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर्स, सेज डजन नो, यूज द एज कॉलम टू कैलक्यूलेट दिस वैल्यू। थोड़ा हेल्प कर देते हैं उसको। यप, द एवरेज एज ऑफ द पैसेंजर्स आर इज 32। आई एम नॉट श्योर ये आंसर सही है कि नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा। बट या थोड़ा सा उसको हमने उस डायरेक्शन में गाइड किया तो उसने आंसर निकाल दिया। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकता है। जैसे कि लेट्स से हम इसको बोल रहे हैं राइट अ पाइथन कोड डैट कैन एक्सट्रैक्ट द टाइटल फ्रॉम नेम्स फ्रॉम पैसेंजर नेम कॉलम। अब
आपको याद होगा, अगर आपने टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे काम किया होगा, वहाँ पे पैसेंजर्स के नाम के साथ मिस्टर मिस ये सब लगा हुआ है। सो यू कैन सी इसने रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्पोर्ट किया है, ये रहे सारे के सारे नाम्स, उसने फॉर नेम इन नेम्स में ये रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च स्ट्रिंग लगा दिया, एंड ट्राई करना पड़ेगा हमें, बट मोस्ट लाइकली ये कोड काम करेगा। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं हम लोग, और लेट्स से ये पूछते हैं हम लोग, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स सर्वाइव्ड यूज द सर्वाइव्ड एंड सेक्स कॉलम टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, आई डोंट नो, जैसा कि मैंने बोला थोड़ा हिट एंड मिस है। एसक्यूएल के साथ बहुत अच्छा काम करता है चैट जीपीटी, बट लैंगचेन यूज करके जब आप टेबुलर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत यूजेबल नहीं है जितना मैंने नोटिस किया है। मे बी और अच्छे प्रॉम्प्ट देने पे शायद रिजल्ट इम्प्रूव करे। एज यू कैन सी इट्स नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, मे बी हमें थोड़े बेटर बेटर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी ट्राई करना, और अगर आपको कुछ बेटर प्रॉम्प्ट्स दिखें तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। बट या लाइक दिस कुड बी द फ्यूचर वेयर यू नो आप एक टेबुलर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो और आप बात कर रहे हो उस टेबल के बारे में कि यार व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से कॉलम्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बन सकते हैं टू प्रिडिक्ट द आउटपुट कॉलम, या फिर क्या ये दोनों कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू राइट द अंदर वाला कोड, राइट? आप डायरेक्टली उसको बोलो कि जस्ट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एज एंड सर्वाइव्ड कॉलम, और वो झट से आपको ग्राफ प्लॉट करके दे रहा है। तो दिस कुड बी इमीडिएट फ्यूचर, लाइक विद इन 6 मंथ्स आपको ये चीज देखने को मिल सकती है इन सम पेड टूल, और यू नेवर नो, इट कुड बी अ फ्री टूल ऑल्सो। मतलब जिस तरीके से अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, यू नेवर नो, फ्यूचर में वी कैन हैव सच फंक्शनैलिटीज फॉर सच टूल्स। ठीक है, तो जो भी है, दिस इज वन मोर थिंग जिसके लिए मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीटली क्रैक नहीं कर पाया हूँ। सो अगर आप लोगों के पास कुछ इससे बेटर ऑल्टरनेटिव हो, कमेंट में प्लीज लिख के बताना। एक और चीज जिसके लिए मैं चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ, वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का स्क्रैच से कोड जनरेट करने के लिए, वो भी थोड़ा सिंप्लीफाइड कोड, बिकॉज मैं टीचर हूँ और मुझे आप लोगों को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ाने होते हैं। तो मेरा हमेशा से ये फिलॉसफी रहा है कि मैं हमेशा कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सीखने के प्रोसेस में उसको स्क्रैच से कोड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार अगर आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को स्क्रैच से कोड करना सीख गए तो मोस्टली आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो कभी कभी ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको स्क्रैच से कोड कर पाना एटलीस्ट शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ। लाइक आई कैन शो यू वन डेमो, जैसे कि लेट्स से मुझे कोड करना है, राइट अ पाइथन कोड टू इम्प्लीमेंट के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर इन एन डायमेंशंस। ठीक है, और GPT-4 इज अ वेरी पावरफुल मॉडल, इट वुड डायरेक्टली जनरेट कोड फॉर मी। ठीक है, सो पहले उसने मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि क्या करने वाला है वो, और फिर उसको वो कोड में कन्वर्ट कर देता है। द गुड पार्ट इज कि जब भी मुझे कोड में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रही है, आई कैन एक्चुअली सेलेक्ट दैट पोर्शन ऑफ द कोड एंड आई कैन आस्क अ क्वेश्चन कि यहाँ पे तुमने क्या किया है, राइट? और ऐसा करते करते व्हाट आई डू इज कि मैं उस कोड के सबसे सिंपलेस्ट वर्जन को क्रिएट करता हूँ जिसको समझना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो दिस इज वन थिंग दैट आई डू ऑलमोस्ट ऑलवेज, लाइक ये सब तो मैं पहले भी कर चुका था, तो चैट जीपीटी ने इसमें हेल्प नहीं किया, बट कुछ डिफिकल्ट पीसेज ऑफ कोड्स जो हैं उनमें चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर देता है। जैसे कि लेट्स से मैंने CNN पढ़ा, आप CNN को स्क्रैच से कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आई कैन यूज चैट जीपीटी। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी शो इट टू यू। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, राइट द सिंपलेस्ट बैक प्रोपगेशन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सबसे सिंपलेस्ट वर्जन ही चाहिए, एंड यू वुड सी कि वो बहुत ही सिंपल एक इम्प्लीमेंटेशन जनरेट करके देगा बैक प्रोपोगेशन का। एंड देन व्हाट आई वुड डू इज आई वुड जस्ट कॉपी दैट कोड,
आई वुड पेस्ट इट ऑन माई सिस्टम, उसको मैं रन करके देखूंगा, उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करूंगा, जहां भी डाउट्स आ रहे हैं आई वुड जस्ट कॉपी दैट पर्टिकुलर लाइन और उसको मैं वापस यहाँ पे पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चैट जीपीटी मेरे को समझाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई यूज इट फॉर नॉलेज पर्पजेज। ऑब्वियसली ये चीज का उतना काम नहीं है जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बिकॉज लाइब्रेरीज तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज चैट जीपीटी, लाइक फॉर विच आई यूज चैट जीपीटी अ लॉट। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू विथ चैट जीपीटी इज टू कन्वर्ट वन पीस ऑफ कोड टू समथिंग एल्स। लाइक लेट्स से मेरे पास पाइथन में लिखा हुआ कोड है, बट लेट्स से मुझे आर में लिखा हुआ कोड चाहिए। ठीक है, या फिर मेरे पास एक पीस ऑफ कोड है जो आई डोंट नो केराज में लिखा हुआ है, मुझे उसको पाइटॉर्च में कन्वर्ट करना है, राइट? लाइब्रेरीज के बीच में कन्वर्जन करना है या लैंग्वेजेस के बीच में कन्वर्जन करना है, उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। सो आई जस्ट वेट, एक बार ये कोड कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेम कोड को हम आर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज अगेन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज क्वाइट अ लॉट इन डेटा साइंस। सो इनफैक्ट आई विल जस्ट राइट द प्रॉम्प्ट। सो आई वुड राइट कन्वर्ट द अबव कोड टू आर। सो यू कैन सी दिस इज द कोड पूरा का पूरा उसने जनरेट कर दिया है। ऑल्दो ये कोड तो फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, किया जा सकता है, बट कुछ कोड्स जो आगे चल के आपको मिलेंगे डीप लर्निंग स्पेशली, या फिर फॉर दैट मैटर मशीन लर्निंग में भी देर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स जिसमें स्क्रैच से हाथ से कोड लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं बस यहाँ पे लिखा कन्वर्ट द सेम कोड टू आर, एंड यू कैन सी ये ऊपर वाले कोड को पकड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको निकाल के दे देगा यूजिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली अगर आपके पास एक केराज का कोड लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, आप बहुत आसानी से उसको पाइटॉर्च में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर लेट्स से आपके पास पाइटॉर्च का कोई कोड है, आप उसको झट से टेंसर फ्लो में कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले एक कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख रहा था और वहां पे जो रिसर्चर था, ही वो सम रिसर्चर, तो उसने जो पूरा कोड लिखा था वो पाइटॉर्च में लिखा था, एंड मेरा पूरा का पूरा डीप लर्निंग एक्सपीरियंस हैज बीन इन केराज, तो मुझे उस कोड को यूज करना था, राइट? तो उसके लिए मुझे पाइटॉर्च समझना चाहिए या समझ में आना चाहिए, वो मुझे अभी उस लेवल पे आई वॉज नॉट कंफर्टेबल जो कोड वो लिख रहा था। तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट कॉपीड दैट कोड एंड जस्ट पेस्टेड इट इन चैट जीपीटी एंड आई जस्ट सेड कि यार इसको केराज टेंसर फ्लो में कन्वर्ट कर दो, एंड उसने कन्वर्ट कर दिया लाइक इन विद इन 3 मिनट्स, और फिर मैं उसको आराम से यूज कर पाया। तो ट्रस्ट मी, क्या गजब के टाइम में हम लोग जी रहे हैं कि वी आर एबल टू डू सच थिंग्स जो करने में प्रोबेबली 6 महीने पहले भी हमें दो दो तीन तीन दिन लग जाते, या शायद उससे ज्यादा लग जाता। जब से ये टूल आया है आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी बन गई है। सो या दिस इज वन मोर यूज केस जो आपके साथ डिस्कस करना था। तो गाइज, एक और चीज जिसके लिए मैं चैट जीपीटी को बहुत यूज करता हूँ वो है रिसर्च पेपर्स को पढ़ना और उसको समझने के लिए। सो अगर आप मशीन लर्निंग के स्पेस में हो और आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि रिसर्च पेपर्स थोड़े ड्राई होते हैं, इन द सेंस उनको पढ़ना और पूरा समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो चैट जीपीटी कैन बी अ वेरी गुड कंपेनियन इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड रिसर्च पेपर्स। ठीक है, आप रिसर्च पेपर्स का समरी जनरेट कर सकते हो, अगर उसके अंदर कुछ कोड दिया हुआ है तो आप उस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, तो लेट मी शो यू मैं कैसे चैट जीपीटी को यूज करता हूँ। सो अगर कोई ऐसा रिसर्च पेपर है जो थोड़ा पुराना है और फेमस भी है, तो मोस्ट लाइकली चैट जीपीटी को उसका यूआरएल और उसका कंटेंट पता होता है, जैसा कि मैंने नोटिस किया है। सो यू कैन सी दिस इज अ वेरी फेमस पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जो ट्रांसफॉर्मर्स का पेपर था। अगर आप लेट्स से इसका एग्जांपल लेके चलो, लेट्स से मुझे ये पेपर को समझना है, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सिंपली कॉपी दिस यूआरएल, लाइक दिस कुड बी वन ऑफ द टेक्निक्स, और आप बस जाकर के चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर सकते हो कि कैन यू समराइज द फॉलोइंग पेपर, और आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया, एंड यू कैन सी चैट जीपीटी, स्पेशली GPT-4 की मैं बात कर रहा हूँ, इट जनरेट्स अ वेरी वेरी कंसाइज समरी। यू कैन सी ये रहा पूरा समरी, और यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली फिर द की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर आर बोल के और कुछ पॉइंटर्स भी ऐड कर दिए। इसके अलावा भी आप घुस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेट्स से आप कोई पर्टिकुलर पेज पे हो इस पेपर के, लाइक दिस इज द पेपर, आप किसी पर्टिकुलर पेज पे हो, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे है स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन।
सो आप यहाँ पे एक्चुअली जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, एक्सप्लेन विथ अ सिंपल एग्जाम्पल, एंड यू वुड सी कि वो उस पूरे कंटेंट को बहुत अच्छे से आपको समझा पाएगा. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पर वो कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आप बेसिकली पेज बाय पेज रीड करते हुए, वेन एवर यू फील कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप झट से जा करके जीपीटी में, चैट जीपीटी में यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, इट विल आंसर इट. ऑल्सो इफ यू एवर फील कि यार इस पेपर में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है मुझे इस पेपर का, लाइक ये लेट्स से यहाँ पर एक आर्किटेक्चर दिया हुआ है तो मुझे उस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना है लेट्स से पाइथन में या केराज में, तो आप बहुत आसानी से जा करके कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे सकते हो. कैन यू राइट अ सिंप्लीफाइड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द अबव पेपर यूजिंग केराज, एंड यू कैन सी उसने झट से मेरे लिए एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन जनरेट कर दिया. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आराम से अपने मशीन पर चला करके आई कैन एक्चुअली टेस्ट कि इस पेपर में जो ऑथर्स हैं वो क्या बात करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ऑल इन ऑल चैट जीपीटी, स्पेशली GPT-4, हैज बीन अ वंडरफुल टूल. मैं डेली बेसिस पे तो पेपर्स नहीं पढ़ता, बट वेन एवर आई एम रिसर्चिंग फॉर अ टॉपिक और मुझे दिखाई देता है कि यार उसको पढ़ने के लिए ये पर्टिकुलर पेपर हमें समझना पड़ेगा, तो आई डेफिनेटली यूज चैट जीपीटी फॉर दैट. ठीक है, बट द प्रॉब्लम विद चैट जीपीटी इज कि चैट जीपीटी 2021 तक के डेटा पे ट्रेंड है. सो लेट्स से आपका कोई ऐसा पेपर है जो अभी रिसेंटली आया है, तो चैट जीपीटी उसको समराइज नहीं कर सकता, उसके बारे में आपको बातें नहीं बता सकता, तो उसके लिए एक जुगाड़ है. तो अभी मैंने आपको लैंगचेन दिखाया थोड़ी देर पहले, सो आप क्या कर सकते हो, आप लैंगचेन यूज करके यू कैन कनेक्ट चैट जीपीटी टू योर ओन कस्टम पीडीएफ्स. मतलब आपके पास अगर कोई पीडीएफ है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये जो पीडीएफ है ये मेरे गूगल ड्राइव में है, यू कैन सी दिस इज द पीडीएफ, ये मेरे गूगल ड्राइव में है. सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पेपर को जो मेरे गूगल ड्राइव में है उसको कनेक्ट करवा सकता हूँ विथ चैट जीपीटी यूजिंग लैंगचेन. ठीक है, अभी मैंने लैंगचेन वगैरह के बारे में वीडियोस नहीं बनाए, आई मेक सम वीडियोस, आपको उससे समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द कोड, इसको यूज करके व्हाट आई एम डूइंग इज मैं अपना गूगल ड्राइव फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट कर रहा हूँ विथ दिस पीस ऑफ पाइथन कोड, और ये पाइथन कोड क्या कर रहा है, एक पीडीएफ रीडर के थ्रू वो रिसर्च पेपर को रीड कर रहा है. इमेजिन करो ये कोई नया रिसर्च पेपर है जो अभी 2021 के बाद आया. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पेपर के कंटेंट को चैट जीपीटी के पास भेज रहा हूँ, चैट जीपीटी उसको रीड कर रहा है, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस. सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, गिव अ 300 वर्ड समरी फॉर द पेपर, और उसने एक समरी जनरेट कर दिया. माइंड यू चैट जीपीटी जब इनिशियली ट्रेन हुआ था तो उसने ये पीडीएफ रीड नहीं किया था, ये पीडीएफ मैं उसको अलग से रीड करा रहा हूँ. फिर मैंने इससे पूछा कैन यू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल इन सिंपल टर्म्स, उसने उसका आंसर दे दिया. यहाँ पर भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, तो ये उसका भी आंसर दे पा रहा है. सो दो सिनारियोज हैं, एक सिनारियो है कि आप जो रिसर्च पेपर पढ़ना चाह रहे हो वो पुराना है, तो मोस्ट लाइकली चैट जीपीटी उसके ऊपर ट्रेंड होगा, आप उसको यूआरएल दे करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. बट लेट्स से आपने एक नए पेपर के बारे में पढ़ाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोड को यूज करके अपना कस्टम पीडीएफ अपने चैट जीपीटी के पास भेज सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो अपने कस्टम पीडीएफ के ऊपर, एंड फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, इनफैक्ट ये बात सिर्फ पीडीएफ के लिए ट्रू नहीं है, एज इन सिर्फ रिसर्च पेपर के लिए ट्रू नहीं है, अगर आप चाहो तो आप पूरा का पूरा ई बुक्स ट्रेन करवा सकते हो चैट जीपीटी के ऊपर, और फिर आप उन ई बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो. लेट्स से कोई बुक है जो कि बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने में और आपको चैट जीपीटी का हेल्प चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा के पूरे पीडीएफ को उठाओ, गूगल ड्राइव पे डालो, कस्टम ट्रेन करो मॉडल को, और फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछो. और ये एक पीडीएफ के ऊपर भी ट्रू है ये बात, आप चाहो तो 10, 15, 20 पीडीएफ को भी ट्रेन कर सकते हो. फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा जहां पर कोई भी आकर के अपना कोई भी पीडीएफ अपलोड कर सकता है, अपना पर्सनल पीडीएफ अपलोड कर सकता है और फिर क्वेश्चंस पूछ सकता है उस पीडीएफ के अंदर से. ठीक है, आज की डेट में आप अगर यूट्यूब पे भी जाओ तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स जहां पर इस तरह की चीज की जा रही है. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आई कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड रिसर्च पेपर्स.
एक और चीज जिसके लिए मैंने कभी कभी चैट जीपीटी को यूज किया है वो है प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो कई बार स्टूडेंट्स मुझसे मांग लेते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट चाहिए, तो व्हाट आई डू इज आई बेसिकली पेस्ट द प्रोजेक्ट। सो यू कैन सी ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, वहां पे मैंने ये बुक रिकमेंडेड सिस्टम बनाया है। लेट्स से मुझे इसका अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो मेन फाइल है वो मैं पेस्ट कर दूंगा app.py एंड आई जस्ट से कैन यू जनरेट 500 वर्ड अब्स्ट्रैक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड इट विल जनरेट ब्रिलियंट अब्स्ट्रैक्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन सुपर इम्प्रेस्ड, जो आउटपुट आता है बहुत ही सही रहता है। अब इफ यू आर अ रिसर्च स्टूडेंट, लेट्स से आप M.Tech कर रहे हो या PhD कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। लेट्स से यू आर सबमिटिंग सम प्रोजेक्ट एंड ऑल, इवन आप अगर B.Tech में हो और आप प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन राइटिंग द कोड। प्रोजेक्ट बिल्ड करने पे आप फोकस करो, ये जो पूरा लिटरेचर लिखने का काम है ये आप चैट जीपीटी को पकड़ा सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली दैट, मैं तो क्या करता हूँ कि लेट्स से इफ आई हैव सम प्रोजेक्ट, लेट्स से ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लॉग पोस्ट, राइट? और मैं उसको थोड़ा बहुत एडिट करके अपने लैंग्वेज में आई कैन जस्ट पुट इट आउट ऑन medium.com या फिर सम अदर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। लेट्स से आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, लेट्स से यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग, तो आप उसको झट से कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ ब्लॉग पोस्ट और आप उसको लिंक्डइन पे डाल करके अपना गिटहब प्रोफाइल का लिंक डाल करके यू कैन जस्ट इंक्रीज योर प्रोफाइल्स विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो एंड यू कैन सी दिस इज द अब्स्ट्रैक्ट दैट इट हैज जनरेटेड। द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप अ यूजर फ्रेंडली बुक रिकमेंडर इंजन यूजिंग कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंटेड एज अ फ्लास्क वेब एप्लीकेशन। बहुत ही सही तरीके से उसने एक लाइन में पूरा का पूरा जस्ट दे दिया। द रिकमेंडेशन इंजन असिस्ट यूजर इन डिस्कवरिंग न्यू बुक्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस हेल्पिंग देम फाइंड रेलिवेंट एंड इंगेजिंग रीडिंग मटेरियल। ठीक है, और या लाइक आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हो। वन मोर थिंग जिसके लिए मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ वो है टू जनरेट प्रोजेक्ट आइडियाज। मतलब ये क्वेरीज तो मुझे डेली बेसिस पे आती हैं कि सर इस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज दो। ठीक है, तो चैट जीपीटी कैन बी अ वेरी गुड सोर्स टू जनरेट न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज। लेट्स से आई वुड से आई हैव जस्ट स्टडीड लीनियर रिग्रेशन, अज्यूम द रोल ऑफ अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड सजेस्ट मी सम प्रोजेक्ट आइडियाज दैट आर रियल वर्ल्ड बेस्ड एंड यूनिक। ठीक है, कुछ आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट डिजाइन कर सकते हो। सो या यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। प्रिडिक्टिंग लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, डेवलप अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट द लेंथ ऑफ स्टे फॉर पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल बाय एनालाइजिंग फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस, सिवेरिटी ऑफ इलनेस, एस्टिमेटिंग डिजीज प्रोग्रेशन, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन रेस्पायरेटरी हेल्थ, आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स फॉर हॉस्पिटल री एडमिशन। लाइक दीज आर लाइक वेरी डोमेन स्पेसिफिक आइडियाज। जब तक आप हेल्थ केयर के डोमेन में नहीं हो तब तक आप शायद नहीं सोच पाओगे कि इस तरह की चीज के ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन या कोई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा सकते हो। तो लाइक दीज आर लाइक रियली वेरी डोमेन स्पेसिफिक आइडियाज, बहुत नीश आइडियाज हैं। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को टू जनरेट आइडियाज। नॉट ओनली दैट, यू कैन एक्चुअली पिक वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस एंड यू कैन प्लान द प्रोजेक्ट साथ ही साथ। लाइक लेट्स से हमें पहले वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है एंड यू कैन आस्क वेयर कैन आई गेट अ डेटा सेट फॉर दिस प्रोजेक्ट, और रादर बेटर व्हाट यू कैन डू इज फॉर स्टार्टिंग यू कैन जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू जनरेट अ सैम्पल डेटा सेट फॉर यू। लेट मी शो यू। सो आई विल से आई हैव डिसाइडेड टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, कैन यू
जेनरेट अ फेक डेटा सेट सो दैट आई कैन स्टार्ट माई प्रोजेक्ट, लेट्स गो, ठीक है. एंड इट विल एक्चुअली जेनरेट अ फेक डेटा सेट फॉर यू, जिसके थ्रू आप एटलीस्ट काम करना स्टार्ट कर सकते हो. फिर तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. आप उससे पूछ सकते हो कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट सच डेटा. वो आपको कुछ रिसोर्सेज बताएगा, लेट्स से किसी वेबसाइट पे, तो आप वेब स्क्रैपिंग यूज करके, इनफैक्ट आप चैट जीपीटी को ही बोलो कि वो डेटा वेब स्क्रैप करके लाओ, या फिर एपीआई के थ्रू लेके आओ, तो वो डेटा सेट आपके लिए बना के ला के दे देगा. सो यू कैन सी इट इज जनरेट, इट इज राइटिंग अ कोड फॉर मी, जहां पर वो क्या कर रहा है कि वो इस स्ट्रक्चर में डेटा सेट को जनरेट कर रहा है, ठीक है. और फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास 500 पेशेंट्स का डेटा आ गया, आप इसके साथ एटलीस्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो. एक बार जब आपने प्रोजेक्ट का मेन जो बैकबोन है क्रिएट कर लिया, लाइक मॉडल वगैरह बना लिया, और आपने काइंड ऑफ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बना लिया पीओसी, देन यू कैन गो अहेड, यू कैन एक्चुअली फेच रियल डेटा, एंड देन यू कैन अप्लाई योर प्रोजेक्ट ऑन टू दैट रियल डेटा, ठीक है. सो अगेन वेरी यूजफुल, लाइक प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट आइडियाज डिग इन करने के लिए, डेटा सेट लाने के लिए, और फिर उस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प करने के लिए इट्स अ ग्रेट कंपेनियन, ठीक है. आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई. एंड वन लास्ट थिंग जिसके लिए आप चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, लाइक बहुत सारे यूज केसेस हैं, बट मैं जो लास्ट चीज बताने वाला हूँ वो है कि एज अ स्टूडेंट जब आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो या डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हो, तो आप लेट्स से कोई टॉपिक कवर करते हो, जैसे अभी हमने रिसेंटली लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन इन फैंग कंपनीज. लेट्स से मैंने ये पूछ लिया, अब वो झट से आपको वो सारे क्वेश्चंस जनरेट करके दे देगा. सो यू कैन सी लाइक दीज आर लाइक वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो आपको लीनियर रिग्रेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे. यहाँ पर आप और कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, आप डिफिकल्ट वर्ड यूज कर सकते हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरेट करके देगा, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस बोलोगे तो इंटरमीडिएट क्वेश्चन जनरेट करके देगा. सो यू कैन सी इस तरीके से क्वेश्चंस आप जनरेट करो. आपने जस्ट एक टॉपिक पढ़ा है, आप खुद से पूछो कि इनमें से कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनका आंसर्स जनरेट करवाओ, उनको पढ़ो, वापस जाओ, थोड़ा सा और पढ़ाई करो, तो यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर वेरी वेल फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है. यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप लेट्स से यू कैन जस्ट जेनरेट केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस ऑन लीनियर रिग्रेशन. कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो इट कैन ऑल्सो जेनरेट सम केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. सो यू कैन सी अ कार डीलरशिप वॉन्ट्स टू प्रिडिक्ट द रीसेल वैल्यू ऑफ यूज कार्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज, माइलेज, मेक एंड मॉडल. हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम यूजिंग लीनियर रिग्रेशन? वॉट चैलेंजेस माइट यू माइट इनकाउंटर एंड हाउ वुड यू एड्रेस दम? अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग द पेशेंट री एडमिशन रेट्स. दे हैव कलेक्टेड डेटा ऑन पेशेंट डेमोग्राफिक्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान्स. हाउ वुड यू यूज लीनियर रिग्रेशन टू आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स अफेक्टिंग री एडमिशन एंड ऑल? तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. और द गुड पार्ट इज कि आप अगर लेट्स से आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे बोल सकते हो लेट्स से आंसर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मी इन डिटेल, और वो झट से आपके लिए उस क्वेश्चन को आंसर करके भी देगा. सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप उसको किस तरीके से अप्रोच करते, ठीक है. तो इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड इंटरव्यू प्रिपरेशन टूल. मतलब अगर आपका एक हफ्ते में लेट्स से इंटरव्यू है, आप चैट जीपीटी के साथ बैठ करके यू कैन रिहर्स अ लॉट ऑन सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है. सो यू कैन सी यहाँ पर उसने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया
कि डेटा कलेक्शन से स्टार्ट किया जाएगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग किया जाएगा, फीचर सिलेक्शन की जाएगी, मॉडल बिल्डिंग की जाएगी और सब कुछ वो एक एक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो या गाइस, लाइक दीज आर द वेज यूजिंग विच आई हैव बीन यूजिंग चैट जीपीटी फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो आप क्या कर रहे हो चैट जीपीटी के साथ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, अगर आप इन सारी चीजों के अलावा और किसी तरीके से चैट जीपीटी को अपने डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के वर्क फ्लो में अगर यूज कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताओ, सो दैट फ्यूचर में जब कोई ये वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के जब पढ़े तो उसको कुछ और नई चीजें मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दिस इज प्रोबेबली माई फर्स्ट पीस ऑफ कॉन्टेंट ऑन चैट जीपीटी एंड प्रोबेबली आई वुड बी कमिंग अप विथ मोर कॉन्टेंट, क्योंकि काफी टाइम स्पेंड किया आप चैट जीपीटी के साथ, तो कुछ और चीजें लेके आऊंगा मैं आपके लिए। और गिव मी फीडबैक, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि आपको और चैट जीपीटी रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए, कमेंट पे लिख के बताओ। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।